हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट न्यूक्लिक एसिड. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक न्यूक्लिक एसिड. सो न्यूक्लिक एसिड का सबसे पहले आपने नाम शायद नाइन्थ में सुना होगा कि हमारे पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं. कौन कौन? वन इज डीएनए एंड वन इज आरएनए. राइट, यू हैव डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड. राइट बच्चों, न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी. एंड न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आता है 12th स्टैंडर्ड में. सो इस पोर्शन को ध्यान से समझना. ओके, सो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होता है? इट इज योर जेनेटिक मटीरियल, है ना. इट इज योर वॉट? इट इज जेनेटिक मटीरियल. हम न्यूक्लिक एसिड को ऐसा बोलते हैं. एंड बींग एसिडिक हम क्या बोलते हैं? इस पे चार्ज क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड पे नेगेटिव चार्ज होगा. न्यूक्लिक एसिड पे चार्ज क्या होगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पे चार्ज क्या होगा? चार्ज विल बी नेगेटिव चार्ज. ओके, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फुल फॉर्म से डीएनए और आरएनए का. डीएनए होता है बेटा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड. सो न्यूक्लिक एसिड कोई भी हो, डीएनए आरएनए, उसमें जो चार्ज होगा दैट विल बी नेगेटिव चार्ज. ये पॉइंट बिठा लीजिए दैट न्यूक्लिक एसिड हैज नेगेटिव चार्ज. न्यूक्लिक एसिड हैव नेगेटिव चार्ज. फाइन. नाउ कोई भी सेल हो, कोई भी लिविंग सेल हो, उसका जो बेसिक जेनेटिक मटेरियल है बेटा वो क्या होगा? वो डीएनए ही होगा. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग सेल. डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग सेल. ये बात याद रखना, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग सेल. अब आरएनए किसमें होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वायरसेस में. ठीक है, वायरस के पास डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है. ओके, तो हम बोलेंगे वायरस के पास आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल. पर बच्चों, वायरस इज नॉट अ लिविंग सेल. वायरस लिविंग सेल नहीं है ना. किसी होस्ट के अंदर बिहेव लाइक लिविंग सेल. नॉर्मली तो वायरस नॉन लिविंग ही है. तो हम ऐसा कहते हैं, मतलब नॉर्मली वायरस को बोलते कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. राइट, तो वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है. पर लिविंग सेल, कोई भी लिविंग सेल है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए ही होगा. लिविंग सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बच्चों? डीएनए ही होगा. सो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. So, हम बोलते हैं कि न्यूक्लिक एसिड बना होता है दो न्यूक्लियोटाइड चेन का. इट इज मेड अप ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड चेन. कैसी चेन? सच काइंड ऑफ चेन. और ये क्या है बेटा? इसके यूनिट्स है. ठीक है, और सही टर्म है तो बेटा न्यूक्लियोटाइड नहीं. अगर मैं सही टर्म देखूं तो आना चाहिए इट इज मेड अप ऑफ टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन. मेड अप ऑफ टू, इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ठीक है, अब दो को मैं अगर एक कर दूं, ठीक है, ये क्या है आपका? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. इट इज योर वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. राइट, अब जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का कैसे होता है? 5-2
3-3-5-. ये डैश क्या है आपको आगे के लेक्चर में पता चल जाएगा. अब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड रह गया मैंने, फॉर एग्जाम्पल 5-2-3-. ठीक है, अब आप देखो ये जो दो, एक को हम क्या बोलेंगे, दिस वन यूनिट, ये जो एक यूनिट है, ये येलो वाला जो एक यूनिट है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. क्या बोलते हैं इसे हम? न्यूक्लियोटाइड. दिस इज जो ये येलो वाले हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड. अब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन है, दिख रहा है? दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन है कैसे? थ्रू अ बॉन्ड नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. जैसे बच्चों हमने कहा था, प्रोटीन्स पढ़ाया मैंने आपको, उसमें क्या था कि अमीनो एसिड्स, दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, देन जब वो फंक्शनल होती है उसे हम प्रोटीन कहते हैं, राइट? तो हम बोलते हैं कि अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं. वैसे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड को इकट्ठा हम बोलेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड, है ना? तो यहाँ पे ये पॉली न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि जो दो यूनिट है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? उनके बीच में है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. और ये क्या है आपकी? ये आपकी पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन है. दिस इज योर सिंगल पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन. ठीक है, अब ये जो एक स्ट्रक्चर है, दिस इज योर न्यूक्लियोटाइड, है ना? अब देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है. न्यूक्लियोटाइड कंप्राइज ऑफ थ्री चीजें, क्या है वो? एक तो है शुगर, दूसरा है नाइट्रोजिनस बेस, एंड थर्ड वन है बच्चों फॉस्फेट ग्रुप. थर्ड वन है फॉस्फेट. ठीक है, फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड हम बोलते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली डीएनए या फिर हम न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं हैज नेगेटिव चार्ज. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड, हमें एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, तो बस फिर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में हमें सिर्फ क्या बनाना है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ऐसा हम करते जाएंगे तो हमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिल जाएगी, फिर वैसी दूसरी चेन मिल जाएगी, दोनों का स्ट्रक्चर बन गया, तो हमने उसे बोल दिया डीएनए, राइट? न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड आपको पता चल गया क्या होता है न्यूक्लियोटाइड. पहले ये याद करो, न्यूक्लियोटाइड मतलब शुगर, न्यूक्लियोटाइड मतलब शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट. न्यूक्लियोटाइड मतलब शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट. लेट्स स्टार्ट विद शुगर. तो शुगर जो होगा वो कितने कार्बन का होगा बेटा? 5 कार्बन का होगा. इसे हम बोलते हैं एल्डोज, एज इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज. ठीक है, 5 कार्बन का होता है. क्या नाम है शुगर का? राइबोज. राइबोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C5H10O4. यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला राइबोज का, इट इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी. सो राइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O4. राइबोज का फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O4. अब जो राइबोज, उसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा बेटा? इधर O आता है, तो इस तरह की रिंग को हम क्या बोलेंगे? इस तरह की रिंग को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक. इस तरह की रिंग को क्या बोला जाता है? हेट्रोसाइक्लिक. तो जो शुगर है हमारा, राइबो शुगर है, और ये रिंग कैसी है? इट इज हेट्रोसाइक्लिक रिंग. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्बन हम जो लेंगे वो 4 ही कार्बन लेंगे. इस तरह की रिंग को बोला जाता है फ्यूरिन. इस तरह की रिंग को बोला जाता है फ्यूरिन, जहां पे 4 कार्बन और 10 ऑक्सीजन होगा, इसे हम बोलेंगे फ्यूरिन. क्या बोलेंगे बेटा? फ्यूरिन, राइट? अब देखो राइबोस का स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने. OH, H, H, OH, H, OH, CH2OH, H. ठीक है, 1, 2, 3, 4 और ये 5th कार्बन. 5 कार्बन हमने कहा राइबोस में 5 कार्बन होता है, राइट? सो ये हो गया आपका 5 कार्बन. फाइन,
नेक्स्ट, अब ये है राइबो शुगर, इट इज राइबोस राइट। अब मेरे को डी ऑक्सी राइबोस करना हो तो इसका मेरे को डी ऑक्सी राइबोस लिखना हो तो क्या होगा? OH, H, 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 मतलब सेकेंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा बस। तो ये क्या हो गया? तब ये हो जाएगा डी ऑक्सी राइबोज। ठीक है, ये 1, 2, 3 और ये आपका फोर्थ कार्बन और ये आपका फिफ्थ कार्बन। तो जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे क्या होगा? इधर यहाँ OH की जगह सिर्फ H आएगा, तो इसे हम बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोज। बच्चों डी ऑक्सी राइबोज का फॉर्मूला क्या होगा? C5H10 और O क्या होगा बताओ? यहाँ पे O एक कम हो गया ना, तो इट विल बी O3। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? ये तब हो जाएगा ये आपका डी ऑक्सी राइबोस। डन। तो ये समझ में आया शुगर के बारे में, आप सीख गए सब कुछ? शुगर के बारे में आपको समझ में आ गया कि शुगर कौन सा होता है? राइबो शुगर होता है। ठीक है, इन केस ऑफ आरएनए एंड डी ऑक्सी राइबोस शुगर होता है इन केस ऑफ डीएनए। डिफरेंस क्या है? सेकेंड पोजिशन पे राइबो शुगर में सेकेंड पोजिशन पे OH आता है, जबकि डी ऑक्सी राइबोज में सेकेंड पोजिशन पे सिर्फ H आएगा। क्लियर? इतना हमें समझ में आ गया है। अब हम बातें करेंगे आगे अबाउट नाइट्रोजिनस बेस। तो बच्चों आपके पास दो मेन कैटेगरी है नाइट्रोजिनस बेस की, एक है प्यूरीन और एक है पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। अब बच्चों जो प्यूरीन होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ डबल रिंग स्ट्रक्चर। एंड जो पिरिमिडीन होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, पिरिमिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। सो बच्चों नाइट्रोजन बेस आपके दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन इज डबल रिंग स्ट्रक्चर, पिरिमिडीन इज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अब प्यूरीन बेटा आपके दो टाइप के हैं, प्यूरीन आपके दो टाइप के हैं, कौन कौन? एडेनिन एंड ग्वानिन। प्यूरीन दो टाइप के कौन है? एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन आपके तीन टाइप के हैं, कौन कौन? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। इन टोटल यू हैव 5 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस, राइट? देखो याद करो, नाइट्रोजिनस बेस दो ब्रॉड कैटेगरी, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। डिफरेंस क्या है? प्यूरीन जो होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, पिरिमिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। फिर प्यूरीन आपके दो टाइप के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडीन आपके तीन टाइप के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। ठीक है, अब बच्चों ये बात याद रखना, डीएनए में आपके 4 बेसेस होंगे। डीएनए में क्या होता है? इसको हम ए बोलते हैं, इसको जी बोलते हैं, इसको सी, इसको टी और इसको यू। तो डीएनए में आपके 4 बेसेस होते हैं, कौन कौन? ए, टी, सी, जी। और आरएनए में आपके 4 टाइप के बेसेस होते हैं, ए, टी की जगह होता है यू, यूरेसिल, सी और जी। ये बात यहाँ समझ लो, जब भी हम डीएनए की बात करेंगे तो हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेसेस होंगे, और जब भी हम आरएनए की बात करेंगे तो भी हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेसेस होंगे। इन टोटल वी हैव 5 नाइट्रोजन बेस, यानी कि एक ऐसा बेस है जो आरएनए में नहीं होगा और एक ऐसा जो डीएनए में नहीं होगा। डीएनए में होता है ATCG, दैट इज एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। और आरएनए में होता है एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ठीक है, ये बात हो गई हमारी अबाउट नाइट्रोजिनस बेस। अब देखते हैं हम बेटा स्ट्रक्चर। मैंने आपको कहा जो प्यूरीन होता है इट इज डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो मैं प्यूरीन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ।
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है सी एच एन सी एच ठीक है, नंबरिंग देखो कैसे होती है, ये वाला फर्स्ट कार्ब फर्स्ट है, ये नाइट्रोजन जो है ये फर्स्ट, फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है, ये है आपका प्यूरीन का बेसिक स्ट्रक्चर। प्यूरीन आपके पास डबल रिंग होते हैं, दो है आपके पास एडेनिन एंड ग्वानिन। अब अगर मैं इससे एडेनिन बनाना चाहूँ, अब अगर बेटा मैं इससे एडेनिन बनाना चाहूँ तो क्या होगा, एडेनिन जब बनाऊँगी तब जो आपका सिक्स्थ पोजीशन है, ये जो सिक्स्थ पोजीशन है, सिक्स्थ पोजीशन ये वाला जो सिक्स्थ पोजीशन है, यहाँ पे क्या होता है, सिक्स्थ पोजीशन पे NH2 ग्रुप आ जाता है, मतलब अमीनो ग्रुप आ जाता है, सिक्स पोजीशन पे अमीनो ग्रुप आ जाता है, राइट। तो ये ऐसा ही रिंग होगा बच्चों, ठीक है, सिक्स्थ पोजीशन पे क्या हुआ, NH2 ग्रुप आ गया, तो हम इसे बोलते हैं एडेनिन को हम, और क्या बोल सकते हैं, सिक्स अमीनो प्यूरीन। एडेनिन को हम और क्या बोल सकते हैं, सिक्स अमीनो प्यूरीन, क्योंकि सिक्स्थ पोजीशन पे क्या होता है, सिक्स्थ पोजीशन पे आपका अमीन ग्रुप आ जाता है। वहीं अगर ग्वानिन करना हो, तो क्या करेंगे, बेसिक प्यूरीन का स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, टू अमीनो एंड सिक्स ऑक्सो, मतलब सेकेंड पोजिशन पे अमीनो ग्रुप आएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन हट जाएगा और सिक्स्थ पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ग्वानिन, इसे क्या बोलेंगे हम, ग्वानिन, टू अमीनो सिक्स ऑक्सो प्यूरीन, टू अमीनो सिक्स ऑक्सो प्यूरीन। तो ये हो गया आपका प्यूरीन का स्ट्रक्चर, राइट, एकदम क्लियर है आप लोगों को, ऑफ कोर्स। अब आगे चलते हैं पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में हमें बेटा तीन स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। पिरिमिडीन है ना, ये सिंगल रिंग होता है, पिरिमिडीन जो होता है वो हमारा सिंगल रिंग होता है, राइट, कैसा होता है चलो बना लेते हैं, इधर डबल बॉन्ड आएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना। इसमें नंबरिंग कैसे होती है बेटा, यहाँ ऐसे नंबरिंग करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, ये होगी नंबरिंग इसकी। अब अगर मुझे यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखना हो, है ना, यूरेसिल तो क्या होता है, यूरेसिल में यही, ये पिरिमिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर बताया मैंने, ठीक है, ये आपका पिरिमिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर यूरेसिल मुझे बनाना हो तो क्या होता है, इधर तो डबल आएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये जो सेकेंड ग्रुप है ना, सेकेंड कार्बन पे आपका कीटोन ग्रुप आ जाएगा, और जो फोर्थ है रिंग का कार्बन उस पे भी कीटोन ग्रुप आ जाएगा, तो दिस विल बिकम यूरेसिल। यूरेसिल को हम क्या बोलते हैं, टू फोर डाई ऑक्सो पिरिमिडीन। यूरेसिल को हम क्या बोलते हैं, टू फोर डाई ऑक्सो पिरिमिडीन, ठीक है, टू फोर डाई ऑक्सो पिरिमिडीन, एक तो सेकेंड कार्बन पे और एक फोर्थ कार्बन पे क्या हो गया, कीटोन ग्रुप आ गया, सेकेंड कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे कीटोन ग्रुप आ गया, तो बन गया वो यूरेसिल, तो क्या बन जाएगा वो यूरेसिल। अब बेटा देखो, यूरेसिल से आप क्या कर सकते हो, साइटोसिन और थाइमिन बना सकते हो, कैसे, अगर आप यूरेसिल में, अगर आप क्या करो, यूरेसिल में फिफ्थ ग्रुप का मिथाइलेशन करो, फिफ्थ कार्बन का मिथाइलेशन करो, ठीक है, फिफ्थ कार्बन मतलब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे सी एच हटा के
यहाँ पे जो सी एच है ना ये इधर, तो वो हटा के यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अगर ले आओ, ठीक है, यहाँ पे अगर आप मिथाइल ग्रुप ले आओ सी एच थ्री ले आओ, तब क्या हो जाएगा वो थाइमीन बन जाएगा, तब क्या होगा वो थाइमीन बन जाएगा, इसलिए हम थाइमीन को बोलते हैं फाइव मिथाइल यूरेसिल, फाइव मिथाइल यूरेसिल। और अगर मैं क्या करूँ फोर्थ ग्रुप पे अमीनेशन कर दूँ, अगर मैं क्या करूँ फोर्थ ग्रुप पे अगर मैं अमीनेशन कर दूँ, अगर मैं फोर्थ ग्रुप पे अमीनेशन कर दूँ तो बन जाएगा क्या मेरा साइटोसिन, तब बन जाएगा साइटोसिन। तो इसे हम बोलते हैं फोर्थ ग्रुप पे क्या करेंगे अमीन ग्रुप ऐड करेंगे, फोर्थ ग्रुप पे क्या करेंगे फोर्थ ग्रुप पे हम अमीन ग्रुप ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा साइटोसिन। ठीक है, ये बेसिक आपको समझ में आ गया कि क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं नर्सन बेसिस के प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के, राइट। चलो अब चलते हैं एक दूसरे टर्म की तरफ जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। आपको मैंने कहा न्यूक्लियोटाइड मतलब शुगर नाइट्रस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अब शुगर और इसको नाइट्रस बेस को टुगेदर हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस। ये देखो बच्चों, ये सिखाया था मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड मतलब, न्यूक्लियोटाइड इज न्यू शुगर प्लस नाइट्रस बेस प्लस फॉस्फेट, तो शुगर और नाइट्रस बेस को टुगेदर हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस को साथ में हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, राइट। ये हमें क्लियर हो चुका है, न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। अब समझो बेटा, ये आपका एक शुगर है राइबो शुगर, ठीक है, दिस इज योर राइबो शुगर। तो ये क्या है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 कार्बन आता है, तो यहाँ पे चलो OH, H, H, राइबो शुगर है ना, तो सेकेंड पे इधर OH ही आएगा, फिर OH, CH2OH, ये आपका फिफ्थ कार्बन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट कार्बन है ना, फर्स्ट कार्बन बॉन्ड करेगा विथ नाइट्रस बेस, तो यहाँ पे कार्बन वन विल बॉन्ड विथ नाइट्रोजीनस बेस, ठीक है, यहाँ पे कार्बन वन क्या करेगा बॉन्ड करेगा विथ नाइट्रोजीनस बेस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, यहाँ पे आपका नाइट्रोजीनस बेस लग जाएगा। और जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, जो बॉन्ड बनेगा उसे हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसे क्या बोलते हैं हम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर शुगर और नाइट्रोजीनस बेस में बॉन्ड बनता है, ध्यान से सुना, अगर शुगर और नाइट्रोजीनस बेस में बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये एन बोला है मैंने, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डिनोट करता है कि वो नाइट्रोजीनस बेस से अटैच हुआ है, ठीक है, किससे अटैच हुआ है वो कोई भी नाइट्रोजीनस बेस बेटा आपका हो सकता है, ठीक है, पिरिमिडीन भी हो सकता है, प्यूरिन भी हो सकता है, राइट। तो बेसिकली डिनोट करता है कि वो नाइट्रोजनस बेस से लिंक हुआ है, राइट। कौन सा होता है वो भी मैं बताऊंगी। अगर जो शुगर शुगर आपस में लिंक करते हैं उसे हम बोलते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर कोई दो शुगर आपस में लिंक करे ना उसे हम बोलते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर शुगर लिंक करता है विच नाइट्रोजनस बेस तो उसे हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी तक आप दो बॉन्ड सीख चुके हैं बच्चों, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और शुगर और
नाइट्रोजन बेस जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट? ओके, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? बॉन्ड जो बनेगा वो होगा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट? अब समझो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका शुगर है, राइट? और यहाँ पे आपका जुड़ गया नाइट्रस बेस एडेनिन, ठीक है? एडेनिन जुड़ गया, ठीक है? ये आपका जुड़ गया कौन? एडेनिन। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे अब एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। मैंने कहा था एडेनिन इज नाइट्रोजीनस बेस, आई एम राइटिंग हेयर एडिनोसिन। तो एडिनोसिन क्या है? एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड। एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। और जब मैं शुगर में बेस ऐड करूंगी, अब मैं इसको बोलूंगी 1-2-3-4- और यहाँ पे आपका CH2O5-। क्लियर हो गया? जब मैं शुगर में नाइट्रस बेस ऐड कर दूंगी, मैं न्यूक्लियोसाइड बना लूंगी। अब मैं यहाँ पे 1-2-3-4 ऐसे नहीं लिखूंगी, अब मैं लिखूंगी 1-2-3-4-5-, ठीक है? अब देखो, हमारे पास दो चीज़ें हैं बेटा, मेरे पास प्यूरिन भी है, मेरे पास पिरिमिडीन भी है ना? तो शुगर का फर्स्ट कार्बन ही लिंक करेगा। तो प्यूरिन में क्या होगा? जो N9 है वो लिंक करेगा लिंक टू C1। और पिरिमिडीन में क्या होगा? जो N1 है, मैंने कहा ना N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, तो नाइट्रोजन जो फर्स्ट वाला ना, ये N1, ये वाला, ये लिंक करेगा विद C1 कार्बन। और यहाँ पे जो ये है, ये लिंक करेगा विद C1 कार्बन, ठीक है? N1 लिंक टू C1 कार्बन। क्लियर? इतना आई गेस आपको क्लियर है कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस जब बनता है उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, राइट? एंड उनके बीच जो बॉन्ड बनता है, दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब चलो सबको ऐड करा देते हैं, हम न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ओके? चार बेस, एडेनिन प्लस शुगर, क्या बन जाएगा? एडिनोसिन। फिर ग्वानिन प्लस शुगर बन जाएगा ग्वानोसिन। फिर साइटोसिन प्लस शुगर बन जाएगा साइटिडिन, ठीक है? फिर थाइमीन प्लस शुगर बन जाएगा थाइमिडाइन, और यूरेसिल प्लस शुगर बन जाएगा यूरिडीन। तो ये सब क्या है? ये सब आपके न्यूक्लियोसाइड है। दिस ऑल आर योर न्यूक्लियोसाइड। ये सब क्या है बेटा? आपके न्यूक्लियोसाइड है। ये सब आपके न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है? अब बेटा, ये जो मैं शुगर ले रही हूँ यहाँ पर, तो ये सब मैंने जो शुगर लिया है वो राइबोस शुगर ही लिया है। वो क्या लिया मैंने? राइबोस शुगर। अब अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर हो तो क्या होगा? डीऑक्सीएडिनोसिन। क्या हो जाएगा? डीऑक्सीएडिनोसिन। मतलब यहाँ पे कैसा शुगर है? डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस एडिनिन। वैसी अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस ग्वानिन हुआ तो बन जाएगा डीऑक्सीग्वानोसिन। पर बच्चों एक बात याद रखना, डीऑक्सीयूरिडिन कुछ नहीं होता, हाँ, डीऑक्सीयूरिडिन नहीं होता, ठीक है? डीऑक्सीयूरिडिन कुछ भी नहीं होता, ये बात याद रखना, राइट?
तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे डी ऑक्सी एडीनोसिन बन जाएगा, डी ऑक्सी ग्वानोसिन बन जाएगा, डी ऑक्सी साइटिडिन, डी ऑक्सी थाइमिडिन बन जाएगा, लेकिन डी ऑक्सी यूरिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, राइट। तो न्यूक्लियोसाइड में पता चल गया। अब न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूं तो बन जाएगा मेरा न्यूक्लियोटाइड, सिंपल। अब अगर मैंने न्यूक्लियोसाइड में, मतलब जैसे एडीनोसिन है या ग्वानोसिन है, किसी भी मैंने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, तो मेरा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, तो मेरा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा बहुत ही इजीली। चलो बनाए। सो एक शुगर है ये हमारे पास, ठीक है, और इस शुगर पे समझो लग गया है एक प्रकार का नाइट्रोजिनस बेस, नाइन्थ कार्बन लगेगा ना, तो पीछे पीछे वाला लगाना पड़ेगा, एंड समझो ये आपका एडेनिन लगा है, दिस इज योर शुगर। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनेगा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, आपका 5' पे CH2OH है, राइट। तो चलो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, मुझे बॉन्ड बनाना है तो CH2, राइट। अब मैं यहाँ पे ला रही हूँ फॉस्फेट ग्रुप, राइट। तो अब बेसिकली ये क्या है, दिस इज योर अल्कोहल एंड दिस इज योर एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। वेन एवर एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट दे फॉर्म एस्टर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, बेसिकली जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा दैट विल बी एस्टर बॉन्ड, क्या बनेगा, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो एस्टर बॉन्ड बनेगा बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल, लिख देती हूँ, एस्टर बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल, इतनी केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए बच्चों, अल्कोहल, राइट। एसिड बॉन्ड, एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करता है तो एस्टर बॉन्ड बनता है, फाइन। चलो आगे ये लेके चलते हैं हम, ये आपका शुगर, ठीक है, ये लगा हुआ है थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ एडेनिन से, और यहाँ पे वाटर रिमूव होगा और बन जाएगा एस्टर बॉन्ड, ठीक है, वाटर रिमूव होगा और बन जाएगा आपका एस्टर बॉन्ड। इसको हम बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। एंड जब आपका न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि मैंने यहाँ पे एडेनिन लिख रखा है, तो दिस इज माई एडीनाइलिक एसिड, दिस इज माई एडीनाइलिक एसिड, ठीक है, दिस इज माई एडीनाइलिक एसिड। क्लियर हुआ इतना? अब बेटा ज़रूरी नहीं, मतलब ये अगर एक फॉस्फेट ग्रुप में लगाया है ना, तो ये हो गया आपका एडेनिन मोनोफॉस्फेट AMP, क्योंकि एक ही फॉस्फेट ग्रुप ऐड है। अगर मैं दो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करती हूँ तो बन जाएगा ADP, एडेनिन डाइफॉस्फेट, तीन कर दिया तो बनेगा ATP, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए हम और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं अब, ओके बच्चों, साथ साथ स्ट्रक्चर बनाइए, बहुत इजी है ना, याद ही हो रहा है। ये आपका शुगर, शुगर के साथ फर्स्ट कार्बन पे विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमारा बेस जुड़ गया है, और यहाँ पे है हमारे पास CH2 और ये O, और इसके साथ हमारा जुड़ा है फॉस्फेट ग्रुप, राइट। रुको मैं एक बार पूरा वापस बनाती हूँ, ठीक है, अब फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे अपन। चलो मैं बनाती हूँ P
OH, एक फॉस्फेट, फिर ये दूसरा फॉस्फेट, और फिर ये तीसरा फॉस्फेट। ठीक है, अपन सब जोड़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले जुड़ेगा बेटा ये वाला, है ना, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका एसिड है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तब बनेगा आपका एस्टर बॉन्ड, राइट। तो चलो बनाते हैं। सो दिस इज एडेनिन एंड ये आपका CH2, यहाँ पे O, राइट। फिर यहाँ पे क्या होगा, पी क्या बन गया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्या बन गया, यहाँ बन गया आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये आपका बन गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, राइट, इतना बन गया। अब बेटा देखो, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। जब भी दो एसिड रिएक्ट करते हैं बेटा, तब जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो ये होगा फॉस्फो एनहाइड्राइड, और बहुत एनर्जी वाला है ये प्रोसेस, एनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बनता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, जो इतना सा स्ट्रक्चर बना था हमारा, इसको हम बोलेंगे AMP। ठीक है, अब मैं और एक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, मतलब दो OH को, ये दो OH को मैं ऐड कर रही हूँ, तो बनेगा फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। जो बनेगा फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका O है, यहाँ पे आपका O है, इससे आपका P लिंक होगा, O OH और यहाँ पे OH, राइट। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये आपका बेसिकली फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को फिर हम बोलेंगे ADP। अब ये थर्ड वाला जब मैं ऐड करूँगी यहाँ पे, तब ये बोला जाएगा, तब ये पूरा वाला स्ट्रक्चर बोला जाएगा ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, AMP मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे आप अगर यहाँ पे जी लेते हो तो GMP बन जाएगा, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और ऐसे अगर आप यहाँ पे कुछ भी लो, टी लो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टी मतलब थाइमिन, राइट। अगर आपने यहाँ पे सी लिया तो सी मतलब साइटोसिन, तो उसका मोनोफॉस्फेट ये कहलाया जाएगा। समझ में आया ये चीज़, आपको यहाँ पे दो बॉन्ड क्लियर हुआ, अल्कोहल एसिड तो आपका एस्टर बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और अगर दो एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो एनहाइड्राइड बॉन्ड बनता है। ओके, चलो ये चीज़ एक बार फिर से लिख लेते हैं हम, शुगर नाइट्रोजीनस बेस न्यूक्लियो साइड, फिर नंबर ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो अगर बेटा मेरे पास है राइबोस शुगर, इफ आई हैव राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस है मेरे पास एडेनिन, क्या है, एडेनिन, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, एडिनोसिन, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड हुआ, अगर आपसे आए एडिनोसिन में कौन सा बॉन्ड है शुगर और नाइट्रस बेस के बीच में, आपको पता है इट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब अगर फॉस्फेट एक है तो हम इसे बोलेंगे AMP, अभी स्ट्रक्चर बनाया था अपन ने, फॉस्फेट एक है तो हम इसे क्या बोलेंगे, AMP, फॉस्फेट दो है इसे हम बोलेंगे ADP, और फॉस्फेट तीन है हम इसे बोलेंगे ATP। दूसरा लेते हैं अपन, राइबोस शुगर
और फिर ग्वानोसिन, अरे ग्वानिन पहले लिख दिया मैंने, ग्वानोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, तो क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन। तो ग्वानोसिन क्या है आपका, ग्वानोसिन आपका न्यूक्लियोसाइड है। फॉस्फेट ग्रुप अगर एक है तो जीएमपी, दो है तो जीडीपी और अगर तीन है तो जीटीपी। फिर अगेन राइबो शुगर एंड यू हैव यूरैसिल, यूरैसिल तो क्या बन जाएगा, यूरीडीन, यूएमपी मोनोफॉस्फेट, अगर दो फॉस्फेट है तो यूडीपी डाईफॉस्फेट और तीन है तो ट्राईफॉस्फेट। अगेन राइबोज कौन सा बेस बचा, साइटोसिन तो क्या होगा, साइटीडीन, तो साइटीडीन इज अ न्यूक्लियोसाइड। अगर एक फॉस्फेट है तो सीएमपी, दो है तो सीडीपी और तीन है तो सीटीपी, राइट। अब बेटा अगर मैंने लिया शुगर डी ऑक्सीराइबोज, अगर मैंने लिया डी ऑक्सीराइबोज और बेस है मेरे पास एडिनिन, तो क्या हो जाएगा, डी ऑक्सीराइबोज एडिनोसिन। बस आपको यही करना है, सबके आगे डी ऑक्सीराइबोज ऐड करना पड़ेगा, डी ऑक्सीराइबोज ग्वानोसिन, डी ऑक्सीराइबोसाइटिडिन, डी ऑक्सीराइबोथाइमिडिन, ठीक है। और यहाँ पे फिर डी ऐड करना पड़ेगा, डी ए एम पी, डी ए डी पी, डी ए टी पी, डी ऑक्सी वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर डी ऑक्सीराइबोज है तो देखिए डी ऑक्सी राइबोज थाइमिन, तो क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी राइबोज थाइमिडिन। और यहाँ पे डी टी एम पी, डी टी डी पी, डी टी टी पी, ठीक है। ऐसे ही अगर ग्वानोस, अगर ग्वानिन हो, डी ऑक्सीराइबोस शुगर प्लस ग्वानिन तो डी ऑक्सी ग्वानोसिन, और फॉस्फेट के हिसाब से यहाँ पे एक फॉस्फेट डी जी एम पी, फिर दो फॉस्फेट तो डी जी डी पी, तीन फॉस्फेट है तो डी जी टी पी, ऐसा हो जाएगा। बस डी ऑक्सी के लिए डी ऐड करेंगे हम इन केस ऑफ डीएनए, इन केस ऑफ डीएनए वी हैव डी ऑक्सीराइबो शुगर, क्यों, क्योंकि सेकेंड ग्रुप पे एच और एच ही होता है इस वजह से, राइट। तो बेटा हमने न्यूक्लियोटाइड अच्छे समझ लिया है ना, और अब हम आगे क्या करेंगे, दो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे। चलो हम बनाते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड, लेट्स मेक डाई न्यूक्लियोटाइड है ना। तो यहाँ पे पहले एक बनाते हैं, आपका शुगर है ये, और फर्स्ट कार्बन पे आपका विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक बेस जुड़ा हुआ है, ठीक है। वन डैश, ये टू डैश और ये आपका थ्री डैश है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे समझो एक दूसरा न्यूक्लियो, अच्छा फॉस्फेट ग्रुप मैंने ऐड किया ही नहीं, फॉस्फेट ग्रुप चलो ऐड कर देते हैं, यहाँ पे सी एच टू है, यहाँ पे एक दो तीन फॉस्फेट ऐड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये दूसरा बेस है, ठीक है, ये आपका दूसरा बेस है, समझो यहाँ पे है आपका थाइमिन, ठीक है। वन डैश, टू डैश, थ्री डैश, फोर डैश, और यहाँ पे ये आपका जो सी वाला पार्ट है सी एच टू, तो ये आपका फाइव डैश हुआ, ठीक है। अब सी एच टू पे यहाँ पे आपको पता है कि आपका क्या अटैच है, फॉस्फेट वाला, फॉस्फेट है ना, राइट। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे बनेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड,
फिर से थोड़ा मुझे यहाँ पे जगह की, एक सेकेंड मैं ऐसे बनाती हूँ सो दैट जगह की कमी नहीं हो हमें. जस्ट वन सेकेंड बच्चों. देखो वापस बनाती हूँ मैं एक बार ये. टी था राइट, यहाँ पे एच ओ एच, एच ओ एच, यहाँ पे सी एच टू राइट. और यहाँ पे एक बार बना के दिखाती हूँ आपके साथ क्या है. ओ फिर आपका फॉस्फेट, ओ एच, ओ एच. तो इस तरह से आपका फॉस्फेट रहेगा तीन राइट. समझ में आया, ऐसे रहेगा. अब क्या होगा देखो, यहाँ पे थर्ड पोजिशन पे क्या है, ओ एच और एच. ठीक है, अब ये जो ओ एच है क्या है बच्चों, ये ओ एच जो है वो अल्कोहल है. ये ओ एच इज अल्कोहल राइट. और यहाँ पे जो ये वाला ओ है, यहाँ पे जो ये फॉस्फेट है, तो यहाँ पे जो आपका ओ है दैट इज विच, दैट वन इज एसिड. यहाँ पे जो है वो क्या है, एसिड है. मैंने आपको सिखाया था ना यहाँ ऊपर ये वाला चीज़, तो जो ये वाला बॉन्ड है ये एसिड है ना. तो सेम यहाँ पे भी वही होगा. अगर मैं आपको बना के बताऊँ, एक्चुअली वो स्पेस मुझे लगा कम है फिर वापस कम हो गई. एक सेकेंड, पी फिर यहाँ पे ओ फिर पी. ठीक है, तो ये जो ओ है ये कैसा है, दिस इज एसिड. और हमें पता है जब भी एसिड और अल्कोहल बॉन्ड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. जब भी एसिड और अल्कोहल बॉन्ड बनाएंगे उसको हम बोलेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. तो ये जो ये वाला जो कार्बन है वो फिफ्थ है ना, ये फिफ्थ पोजीशन वाला कार्बन है. तो ये और जो थर्ड वाला कार्बन है उसका ओ एच का जो अल्कोहल है, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा. इस तरह से दो न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक होते हैं. तो चलिए बॉन्ड बना देते हैं. यहाँ पे आपका बेस लगा हुआ है ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होगा. तो ये कौन सा डैश होगा, दिस विल बी फाइव डैश, ये फाइव डैश होगा ठीक है. यहाँ पे ये फोर डैश है, ये थ्री डैश है राइट. अब यहाँ पे देखो ये जो दूसरा वाला आपका बेस है दैट इज थाइमीन है ना, इसके साथ इस पर मैंने थाइमिन लगाया था ना. तो ये आपका शुगर हो गया, ये आपका थाइमिन हो गया बेस, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड. यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है बेटा, तो यहाँ पे सी एच टू, अब ये स्ट्रक्चर ओ, यहाँ पे पी राइट, इधर ओ और यहाँ पे ओ एच. अब यहाँ पे ये जो ओ है, यहाँ तो अंदर तो एच है इधर बाहर ओ है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है दिस इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. ठीक है, अब देखो बेटा एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहाँ बना था, इन दोनों के बीच में सी एच टू और फॉस्फेट के बीच में, सी एच टू ओ एच और फॉस्फेट के बीच में, इसमें भी क्या बॉन्ड था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. तभी हम बोलते हैं यहाँ पे दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और डाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोला जाता है, इस वजह से डाई फॉस्फोएस्टर का नाम आता है. तो लिंकेजेस क्या क्या है, बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जो बनता है बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. और एक जो बनता है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ बनता है, और एक जो बनता है वो बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड बनता है जो हो जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. क्या हो जाता है बच्चों, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अगर आप फिर से समझना चाहें इस चीज़ को तो वापस मैं एक बार बता देती हूँ, ये आपका शुगर है,
शुगर के साथ आपका क्या है बेटा, बेस लगा हुआ है, नेचुरल बेस ही न्यूक्लियोसाइड है, यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे आपका फॉस्फेट 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 है, और ये आपका 5' एंड है, फिर यहाँ पे आपका ओ और ये फॉस्फेट इधर ओ, और यहाँ पे आपका दूसरा ये बेटा आपका शुगर है, ठीक है, तो ये इधर ऑफ कोर्स ओ और यहाँ पे, तो ये जो हो गया, अब आगे वापस ये देखो, ये थर्ड वाला पोजीशन वाला है, ये आगे और बॉन्ड बनाएगा, इधर ओ फिर यहाँ पे पी, राइट right? तो ऐसे ही पूरे बॉन्ड बनते जाएंगे, तो ये आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया, ये आपका इधर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया, राइट right? यानी कि क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा अगर आप देखो तो, शुगर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, शुगर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, शुगर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, शुगर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फिर लास्ट में शुगर रहेगा, किस पे जो 3' एंड है वो फ्री रहेगा, और यहाँ शुगर पे क्या कौन अटैच रहेगा आपका नाइट्रोजिनस बेस, शुगर पे आपका NB अटैच रहेगा, शुगर पे आपका ऑल द टाइम NB अटैच रहेगा, शुगर पे आपका NB अटैच रहेगा, तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो क्या बन गया आपका एक ये पूरा पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा 5' टू 3', क्योंकि बेटा ये वाला फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फ्री रहेगा, और जो लास्ट वाला आपका शुगर रहेगा ना, तो शुगर का थर्ड कार्बन वाला OH फ्री रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं 5' टू 3', डैश वर्ड भी इसलिए यूज होता है, राइट right? तो ये आपका बन गया पूरा पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, ये बन गया आपका बच्चों पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, जहाँ पे शुगर फॉस्फेट का क्या है आपका बैकबोन है, शुगर और फॉस्फेट का पूरा क्या होगा, शुगर और फॉस्फेट का पूरा बैकबोन होगा, 3' पे कौन मिलेगा OH ग्रुप, और 5' पे मिलेगा हमने फॉस्फेट ग्रुप, और बाद में बेटा ये फॉस्फेट भी जो है वो रिमूव हो जाते हैं, एक ही फॉस्फेट बचता है, तो 5' पे हमें कौन मिलेगा याद रखना बच्चों, 5' पे हमेशा हमें मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप, एंड 3' में कौन मिलेगा, 3' में हमेशा हमें मिलेगा OH ग्रुप, ठीक है, कहीं रटने की नीड नहीं है, और यहाँ पे जो बॉन्ड है देखो, ये जो बॉन्ड है दिस इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपका, है ना, और ये जो बॉन्ड है दैट इज शुगर और नेचुरल बेस के बीच में दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई, ठीक है, अब जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो नेचुरल बेसिस जो लगे हुए हैं वो आपस में क्या करते हैं बॉन्ड बनाते हैं, एंड दे बिकम सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2° स्ट्रक्चर, कैसे, बाय फॉर्मिंग एच बॉन्ड, और 2° इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके बीच में एच बॉन्ड है, तो होता क्या, जैसे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे शुगर है फॉस्फेट है, शुगर है फॉस्फेट है, शुगर है फॉस्फेट है, यहाँ पे NB है, यहाँ पे शुगर है फॉस्फेट है, यहाँ पे NB है, तो जो दो NB है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, दो NB क्या करते हैं, दो नाइट्रोजन बेस आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और बच्चों बॉन्ड कैसे बनेगा, बिटवीन प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, तो A हमेशा बॉन्ड बनाएगा थाइमीन के साथ बाई डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड G हमेशा बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ बाई ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अगर यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस हैं तो उनके बीच में क्या होंगे बच्चों, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बन जाएंगे, ये आपका दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है 5' टू 3', एंड बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, बोथ द चेन आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज द स्ट्रक्चर बच्चों DNA का दे रखा है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA है, दिस मॉडल वॉज प्रपोज बाई वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल प्रपोज किया था, एंड ये जो DNA है ये राइट हैंडेड DNA ही है अपना, एंड जो मोस्ट कॉमन DNA है वो है B DNA, दिस इज
बी डीएनए, कौन सा है डीएनए बेटा, दिस इज बी डीएनए, ओके। ये कैसा है, राइट हैंडेड डीएनए, ये अपना राइट हैंडेड डीएनए है, सब राइट हैंडेड डीएनए ही होता है, ए डीएनए बी, सी डीएनए बी, लेकिन एक सिर्फ जेड डीएनए ऐसा होता है विच इज लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। एक जेड डीएनए जो होता है, जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड, जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है। तो वॉटसन क्रिक ने ये मॉडल प्रपोज किया था। ये आपकी दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है बच्चों, 5-2-3-, ये देखिए शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 5-2-3- और 3-2-5-, 3- पे आपको OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा एंड 5- पे आपको फॉस्फेट मिलेगा, ठीक है। एंड आपस में ये लोग पेयर है, ये एडेनिन पेयर कर रहा है विद थाइमिन बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन पेयर कर रहा है विद साइटोसिन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब बच्चों कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, ये जो एक टर्न होता है, वन टर्न इक्वल्स टू 10 बेस पेयर, बेस पेयर कहने से मतलब है एडेनिन और थाइमिन को टुगेदर में ले रही हूँ, ग्वानिन साइटोसिन को मैं टुगेदर ले रही हूँ, तो मैंने कहा बेस पेयर, ठीक है। वन टर्न में आपके 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। और जो वन टर्न का पिच है, वन टर्न का जो पिच है दैट इज 3.4 नैनोमीटर और 34 आर्मस्ट्रांग, ये ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में। एक टर्न में आपके 10 बेस पेयर्स होंगे एंड एक टर्न का जो पिच होगा दैट विल बी 3.4 नैनोमीटर और 34 आर्मस्ट्रांग। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें प्लीज देखना यूनिट क्या है, नैनोमीटर और आर्मस्ट्रांग, राइट। अब देखो बच्चों, ये जो दो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज 0.34 नैनोमीटर और 3.4 आर्मस्ट्रांग, ठीक है। दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज 0.34 नैनोमीटर और 3.4 आर्मस्ट्रांग। अब अगर बेटा हम डायामीटर की बात करें, इफ़ आई टॉक अबाउट डायामीटर तो डायामीटर कितना होता है, डायामीटर इज 2 नैनोमीटर और 20 आर्मस्ट्रांग, डायामीटर इज 2 नैनोमीटर और 20 आर्मस्ट्रांग, ठीक है। अब बच्चों फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा बोलूं कि मेरे पास 100 बेस पेयर है, इफ़ आई हैव 100 बेस पेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसके 10 टर्न इंटू 10 बेस पेयर, राइट। तो मिल गया, लेंथ पूरी निकालनी हो, 100 बेस पेयर कितनी लेंथ आएगी, 100 बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय 3.4 नैनोमीटर, तो मुझे पता चल जाएगा 34 नैनोमीटर पूरी इसकी लेंथ आएगी। तो मैं बताती हूँ किस तरह के आपको सम्स पता होने चाहिए, करते हैं ये, ओके। और फिर इसके साथ ही न्यूक्लिक एसिड टॉपिक जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा, ओके। सो देखिए क्या क्वेश्चन है, इन अ 68 नैनोमीटर डीएनए इफ परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इज 30 देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ए एच बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड नंबर ऑफ ए, ठीक है। परसेंटेज और नंबर दोनों चीज है, देखो क्या करना है हमें, क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो लेंथ कितना दे रखा है आपको, लेंथ ऑफ डीएनए कितना दे रखा है, 68 नैनोमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ डीएनए गिवन है हमें 68 नैनोमीटर, ओके। तो लेंथ इतना है, बेस पेयर हमें अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, सिंपल है फॉर्मूला पता है ना लेंथ का, अभी करा था, लेंथ इक्वल्स टू 0.34 मल्टीप्लाई बाई बेस पेयर, तो हमें अभी बेस पेयर्स कितना है नहीं पता, तो ऐसा फॉर्मूला हम कर सकते हैं, बेस पेयर इक्वल्स टू लेंथ डिवाइड बाई 0.34, राइट। देखो
मैंने क्या बोला, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल जो है ये वॉचमैन क्रिक ने दिया था। इसमें हम क्या करते हैं, मतलब इन्होंने ये कहा था कि बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो हमने देखा कि हाँ वो दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल है, फिर एक 5-3 और एक 3-5, ठीक है। आपस में क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस जो है वो पेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड अटैच रहता है, ठीक है। अब इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में कि आपको एक डीएनए दिया हुआ है, उसका लेंथ कितना है, 68 नैनोमीटर। हमने अभी आपको कहा कि जो एक टर्न होता है दैट इज 3.4 नैनोमीटर। देखो मैं नैनोमीटर की बात कर रही हूँ, है ना, 3.4 नैनोमीटर मैंने ऐसा कहा। तो अब एक टर्न जो है पूरा दैट इज 3.4 नैनोमीटर, और एक टर्न में आपके 10 बेस पेयर्स आते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने ये फॉर्मूला किया कि लेंथ ऑफ डीएनए हमें दे रखा है इतना, तो लेंथ इक्वल्स टू 0.34 मल्टीप्लाई बाय बेस पेयर्स। क्यों? क्योंकि दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो मुझे पता है, दैट इज 0.34। जो दो बेस पेयर है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, उसके बीच में डिस्टेंस है, मैंने कहा ना दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस होता है 0.34। तो मैं, मुझे पता चल गया कि BP इक्वल्स टू लेंथ अपॉन 0.34, क्योंकि हमें टोटल अभी बेस पेयर्स नहीं पता है, राइट, टोटल बेस पेयर्स हमें नहीं पता है, हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी देखो लेंथ हमें दे रखा है कितना, लेंथ हमें दे रखा है 68 3 पॉइंट, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, हट जाएगा 1 2, तो बेस पेयर कितना आ गया मेरे पास 200, मतलब टोटल बेस पेयर कितने हैं मेरे पास 200 है, टोटल बेस पेयर। बेस पेयर ऐसे पेयर में जैसे ए टी जी सी सी जी टी ए, ऐसे पूरे जो बेस पेयर्स हैं वो टोटल मेरे पास 200 है। तो टोटल नाइट्रोजन बेसिस कितने होंगे बच्चों, इसका डबल, तो नाइट्रोजीनस बेसिस होंगे मेरे पास 400, नाइट्रोजन बेसिस कितने होंगे मेरे पास 400, ठीक है। अब अगर मुझे गिवन है ग्वानिन मेरे पास 30% है, ग्वानिन मेरे पास 30% है, अब जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन होगा, बिकॉज ग्वानिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो साइटोसिन भी मेरे पास 30% होगा। अब क्योंकि परसेंट में है तो ओवरऑल चीज़ें इज 100, तो 30+30=60, और टोटल ओवरऑल मैंने कहा 100, तो 100-60 कितना निकलता है 40, यानी कि एडेनिन और थाइमिन को दो बेस पेयर्स है, राइट, तो 40/2 तो 20%, यानी कि एडेनिन कितना होगा मेरे पास, एडेनिन होगा 20% एंड थाइमिन भी होगा मेरे पास 20%। तो परसेंटेज ऑफ ए क्या निकला, परसेंटेज ऑफ ए इज 20%, ए कितना है मेरे पास 20%, ठीक है, निकल जाएगा, इजी है, ओके। एडेनिन निकल गया, राइट। अब देखो, अब अपन देखते हैं कि नंबर ऑफ ए निकाल लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ ए इजी रहेगा, ए है मेरे पास, तो ए ऑफ ए कितना है, ए है 20%, ए 20% ऑफ 400 बेसिस कितना होगा, 20 × 400, परसेंट हटा के तो 100 लग गया, 20 × 4=80, तो एडेनिन कितना होगा मेरे पास 80 होगा, एडेनिन कितना होगा मेरे पास, नंबर ऑफ एडेनिन विल बी 80। अब एडेनिन 80 है तो थाइमिन कितना होगा, थाइमिन भी 80 होगा, ठीक है, एडेनिन 80 है तो थाइमिन भी मेरे पास कितना होगा 80 होगा, है ना, यानी कि एडेनिन, मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करना है, राइट, टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन, राइट, एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन, तो डबल कर लेना है मेरे को 80 × 2, क्योंकि दे टुगेदर फॉर्म डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कितना हो गया 160। अब अगर मैं ग्वानिन का निकालूँ तो 30% ऑफ 400 किस निकल गया, 30 × 400/100 तो आएगा 120,
तो अगर ग्वानिन 120 है तो साइटोसिन भी 120 होगा, पर यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 को 3 से, बिकॉज दे फॉर्म ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. तो 120 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स यू 360. तो 360 प्लस 160 कितना होगा, 0 520. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज 520. बच्चों मैं आपको कितने अच्छे से है ना देखो मल्टीप्लाई भी करके प्लस मल्टीप्लाई सब करके दिखा रही हूँ. तो टोटल जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे कितने होंगे, 520 होंगे. कैसे, क्योंकि मैंने देखा ना आपको एडिनिन का नंबर बता दिया, अब जितना एडिनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, दो बनाते हैं मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड. तो 80 मल्टीप्लाई बाई 2 160. अब ग्वानिन का निकाले तो 120 निकला राइट. और ग्वानिन जो है वो बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ बाई ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हम करेंगे 120 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपका निकल गया 360. अब बच्ची बात बच्चों फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड की राइट. तो ये आपका पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है राइट. तो हमने पहले देख लिया कि कितने बेसेस हैं हमारे पास, 200 बेसेस है बच्चों. एक चीज़ याद रखना, अगर 200 बेसेस है तो आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होंगे वो कितने बनेंगे, 200 है तो 200 में ऐसे एक कमी होगा बिकॉज एक ग्रुप तो फ्री रहेगा. जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं कि अगर आपके पास 100 अमीनो एसिड हो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 99, क्योंकि दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है. वैसे ही न्यूक्लियोटाइड अगर है ऐसे बहुत सारे, या हम बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना इतने बेसिस हैं, तो ऑफकोर्स दो के बीच में एक बॉन्ड बनेगा तो एक हमें कम लेना है नेचुरली. तो 200 बेसिस है तो आएंगे 199 फॉस्फो एस्टर बॉन्ड. और यहाँ पे भी क्या है बच्चों, 200 बेसिस हैं, 200 बेसिस है तो आएंगे 199 फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ठीक है. तो अब अगर आप ऐड करो 199 प्लस 199 तो क्या मिलेगा हमें, 398. तो वी हैव 398 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ठीक है, हमें मिलेगा 398 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. क्लियर हुआ ये बात, क्लियर. तो ये सब सॉल्व हो गया, 200 बेसिस है तो 199, और अगर अपन पूरा बात कर रहे हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का तो दैट विल बी 398 राइट. तो दिस इज ऑल फॉर न्यूक्लिक एसिड, इतना पढ़ लीजिए, दिस इज मोर देन इनफ. थैंक यू.